सो गाइस, बेब्लेड बस पार्किंग के लेटेस्ट एपिसोड में हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जिनको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या लेन वल्हाला इस सीरीज में एक इविल कैरेक्टर प्ले कर रहा है? क्या लेन वल्हाला इस सीरीज का मेन विलन है? इन सारी बातों का जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिल ही जाएगा, लेकिन हमारे इस रिव्यू को देखकर आपको इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वक्त किसका कॉल आ गया? हेलो। हाँ हेलो। देख भाई, मैं यहाँ पर सस्पेंस का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू कॉमेडी कर रहा है। यार मैंने कौन सी कॉमेडी की है? बेटा तू चलती फिरती कॉमेडी है और ये बात मैं दर्शकों को बहुत पहले बता चुका हूँ। चल फोन रख। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है लेन वल्हाला के साथ, जहां पर वो सोच रहा होता है युगा के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वॉल्ट और युगा के बैटल में देखा था कि युगा के अंदर एक अलग ही तरह की पावर थी। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एंड गाइस, ये देख के लेन वल्हाला बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस दिखाई पड़ता है। एंड गाइस, उसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर हिकारू, युगा, रंतारो वगैरह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड गाइस, उसके बाद युगा सो जाता है एज ऑलवेज। एंड गाइस, उसके बाद हिकारू अपने भाई को लेकर जा रहा होता है। एंड गाइस, तभी रास्ते में लेन वल्हाला आ जाता है एंड युगा को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। एंड गाइस, हम फिर से पहुंचते हैं फैक्ट्री में बैटल के लिए। एंड गाइस, ये वही फैक्ट्री है जहां पर लेन वल्हाला ने रेंजीरो के बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े किए थे। सो गाइस, बैटल शुरू होता है। एंड गाइस, ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सो गाइस, युगा इस बैटल में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ता है। उसके बेब्लेड हाइपीरियन में एक अलग सी ताकत होती है एंड वो बार बार लूसीफर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एंड गाइस, लेन वल्हाला भी इस बैटल में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाई पड़ता है। एंड गाइस, इस बैटल में शायद हमें लेन वल्हाला की कंप्लीट इविल पावर देखने को मिली है, क्योंकि लेन वल्हाला के चेहरे पे कोई भी मिस्ट्री नहीं होती है। वो कम्प्लीटली ईविल दिखाई देता है, उसके चेहरे पर केवल गुस्सा होता है। एंड गाइस, ये देख के हिकारू डर जाता है एंड वो अपने बेब्लेड को लॉन्च कर देता है स्टेडियम के अंदर। सो गाइस, अब लेन वल्हाला के आगे हिकारू और युगा दोनों मिलके लड़ रहे हैं। एंड गाइस, इस बैटल का एंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है। एंड गाइस, इस बैटल का एंड होने से पहले हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। सो गाइस, बैटल का एंड कुछ इस तरह होता है कि जो लूसीफर होता है वो हीलियोस और हाइपेरियन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड गाइस, इसके बाद हिकारू और युगा का जो रिएक्शन होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। एंड गाइस, उसके बाद वो दोनों एक बीच के किनारे बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं एंड अपनी हार के बारे में सोच रहे होते हैं। सो गाइस, उसके बाद अगले दिन हिकारू और युगा अपनी हार के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं, जो कि होता है लेजेंड स्टेडियम में। एंड गाइस, वहाँ पर वॉल्ट भी होता है। एंड गाइस, वॉल्ट ये सब देखने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड गाइस, अपने बैटल के लिए खुशी खुशी चला जाता है। सो गाइस, उसके बाद पहुँचते हैं स्टेडियम में, जहाँ पर लेन और वॉल्ट दोनों अपने बैटल के लिए रेडी होते हैं। एंड गाइस, वहाँ पर शू कोरोनाई भी मौजूद होता है जो उस बैटल को देख रहा होता है। एंड गाइस, फिर बैटल स्टार्ट होता है, दोनों ब्लेडर्स अपने बेब्लेड्स को लॉन्च कर देते हैं। एंड गाइस, बैटल शुरू होते ही लेन का बेब्लेड सेंटर ले लेता है एंड वॉल्ट अपना रश शूट लॉन्च कर देता है, जो कि उसका एक स्पेशल मूव भी है। एंड गाइस, उस मूव से लेन को काफ़ी डैमेज होता है एंड सारी ऑडियंस को लगता है कि वॉल्ट ये बैटल जीत जाएगा। लेकिन गाइस, उसके बाद लेन जब कमबैक करता है तो सबके होश छोड़ जाता है। एंड गाइस, जब लेन अपना स्पेशल मूव वॉल्ट लॉन्च करता है तब वॉल्ट थोड़ा सा घबरा भी जाता है, लेकिन गाइस वो फिर अपने बैटल में कमबैक कर लेता है। लेकिन गाइस, इस बैटल का एंड ज़्यादा अच्छा नहीं होता। दोनों ब्लेडर्स के ब्लेड्स स्टेडियम के बाहर उड़ जाते हैं, लेकिन लेन का बेब्लेड बाद में गिरता है, इसी वजह से लेन को मिल जाता है एक पॉइंट। एंड गाइस, लेन की आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है। एंड गाइस, वो कम्प्लीटली ईविल लग रहा होता है। एंड गाइस, उसकी इस ईविल पावर के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।